हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम टू सोलो ट्रैवल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मैं। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ भगवान राम जी के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान जी के धाम, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर लाल कपड़े में नारियल और अपनी समस्या लिखकर अर्जी लगाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के। वहाँ के मैं आपको संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस यात्रा की शुरुआत करी मैंने दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। चलते आगे, दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम दिल्ली से बागेश्वर धाम कैसे पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बागेश्वर धाम 650 किलोमीटर्स है, जिसको आप बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन आप इसे इजीली कवर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बाय एयर का, बागेश्वर धाम का नियरेस्ट एयरपोर्ट है खजुराहो एयरपोर्ट, जो कि बागेश्वर धाम से 30 किलोमीटर्स है, जिसको आप बाय बस और टैक्सी से आप इजीली बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है बाय रोड का, अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो आपको 12 से 14 घंटे आपको लगेंगे दिल्ली से बागेश्वर धाम पहुंचने में, और आपका जो रूट रहेगा वो रहेगा दिल्ली निजामुद्दीन, उसके बाद आपका मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर होते हुए आप छतरपुर पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय बस जाना चाह रहे हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बसेस जो हैं वो खाली प्राइवेट बसेस हैं, वोल्वो बसेस हैं, जिसको आप रेड बस, अभी बस, मेक माई ट्रिप पे बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर आपका 1000 से 1500 के बीच में रहेगा। थर्ड ऑप्शन है अपना बेस्ट एंड चीपेस्ट ट्रेन का, बागेश्वर धाम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है खजुराहो रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है KURJ, और दूसरा है छतरपुर रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है MCSC। दिल्ली से बागेश्वर धाम के लिए यानी कि छतरपुर के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, जिसका कोड है 11842। ये ट्रेन कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए चलती है, और ये आपको दिल्ली के तीन स्टेशन से मिल जाएंगी। पहला है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है SZM। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है आपका प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन, जो कि पड़ेगा आपका रेड लाइन पर। सब्जी मंडी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही आपको शाम को 5:30 पर, सेकेंड आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नई दिल्ली रेल मेट्रो स्टेशन, उसके आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 से शाम को 6:00 आपको ये ट्रेन मिलेगी। थर्ड है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जिसका कोड है NZM, और उसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से ये ट्रेन आपको शाम को 6:30 आपको मिलेगी। इसमें जो आपको स्लीपर, जनरल, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, सारे कोचेस की आपको इसमें फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिसको आप अपने बजट अनुसार IRCTC से बुक कर सकते हैं। इसमें जो मेरा जनरल का फेयर लगा वो लगा ओनली 195 रुपीज़, यानी कि 195 रुपये में आप दिल्ली से छतरपुर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद छतरपुर से आपको बागेश्वर धाम के लिए ऑटो मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि उसका क्या फेयर रहा, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस समय मैं हूं दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे, और अभी थोड़ी ही देर में यहां पर अपनी ट्रेन आने वाली है, और आपको आगे की यहीं से अपनी जर्नी हम शुरू करने वाले हैं। दिखा तो आपको आगे, ये देख रहे हैं आप सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। अपना जो टोटल जर्नी टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 12 hours 34 minutes का, यानी कि सब्जी मंडी से हम ये पकड़ेंगे 5:30, और ये पूरी नाइट जर्नी करने के बाद कल सुबह 6:06 पर हमें छतरपुर उतारेगी। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप इससे जो है छतरपुर ही उतरिएगा, खजुराहो मत उतरिएगा, क्योंकि छतरपुर से खजुराहो जो ट्रेन टाइम ले रही है वो ले रही है 2 घंटे का टाइम, और खजुराहो से छतरपुर के बीच में ही है बागेश्वर धाम, आपको खजुराहो से वापस आना पड़ेगा। अगर आप छतरपुर उतरते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं और फिर बागेश्वर धाम जाते हैं, तो आपका 2 घंटे का आपका टाइम जो है वो काफ़ी टाइम बच जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी समय अपनी ट्रेन आने वाली है, दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और लीजिए दोस्तों, आ गई है अपनी ट्रेन, जिस आने वाले हैं छतरपुर की ओर, और ये देख रहे हैं आप जनरल डब्बा, और ये देख रहे हैं आप खजुराहो से कुरुक्षेत्र, और ये देखिए क्या जबरदस्त भीड़ है इस स्टेशन पे।
तो लीजिए दोस्तों, अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली से छतरपुर की ओर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं छतरपुर और आप देख रहे हैं मेरे पीछे छतरपुर रेलवे स्टेशन। अगर आप लोग भी ट्रेन से आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा कर आइएगा, क्योंकि इस ट्रेन में जो है ज़बरदस्त भीड़ थी, जनरल पूरी जगह भरा पड़ा था, उसके साथ साथ स्लीपर भी भरा पड़ा था, यानी कि जनरल वाले लोग जो वो स्लीपर में भी अपना जो है जर्नी कर रहे थे, ज़बरदस्त भीड़ थी। जिनके पास अपने रिजर्वेशन थे वही सारे अपने सीटों पे थे, फिर भी ज़बरदस्ती जो है लोग जो है सीटों पे चढ़ रहे थे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अपना रिजर्वेशन करा के अगर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या आप अकेले भी आ रहे हैं तो भी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं जैसे ही छतरपुर रेलवे स्टेशन उतरा तो इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जो है वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं, अपना वेटिंग रूम्स हैं, मैंने वहीं पे फ्रेश हो लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी यहीं पे फ्रेश हो सकते हैं। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, प्रॉपर मेंटेन है, अपना साफ़ सुथरे हैं, बहुत ही अपना नीट एंड क्लीन है, यानी कि आप यहाँ पे आराम से फ्रेश हो सकते हैं, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। मैं भी यहीं पर अपना नहा धो के अपना यहीं पे तैयार हो चुका हूँ और अब यहीं से बाहर से ऑटो पकड़ेंगे सीधा बागेश्वर धाम के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ है, वेटिंग हॉल जो है वो दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप छतरपुर रेलवे स्टेशन, ये देख रहे हैं आप वेटिंग हॉल्स यहाँ पे बने हुए हैं अंदर, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। सामने अपना वॉशरूम देख रहे हैं, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, आप जो यहाँ पे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है तीन रूम बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है आपका स्लीपर प्रतीक्षालय, ये देख रहे हैं आप जो है ये खाली लेडीज़ के लिए बना हुआ है, यहाँ पर अपना लेडीज़ भी फ्रेश हो सकती हैं, देख रहे हैं आप। साथ में अंदर चेंजिंग रूम भी बना रखा है, वहाँ पर आप तैयार हो सकते हैं, बाकी आपका मोबाइल चार्जिंग सब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं बाहर से, अपना ऑटो पकड़ते हैं। और ये देख रहे हैं बाहर से ही आपको जो है ई रिक्शा ऑटोज काफ़ी सारे यहाँ पर है, आपको यहीं से जो है सारी अपने आप मिल जाएंगे, जो कि यहाँ से शेयरिंग भी चलती है, प्लस आप अपना पर्सनल करा के भी यहाँ से ऑटो जा सकते हैं। ये देख रहे हैं तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बागेश्वर धाम। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम के जो ऑटो वाले ने मेरे से पैसे लिए वो लिए 50 रुपीज़, शेयरिंग में मैं आया 50 रुपीज़ लिए। उसके बाद अपना जो है बिल्कुल उसने मंदिर के पास उतारा, वहां से आपको सामने ही मंदिर दिखाई दे जाएगा। अगर आप दिल्ली से बागेश्वर धाम आ रहे हैं तो आपका टोटल जो फेयर लगेगा वो लगेगा 245 रुपीज़ ओनली, बाकी अगर आप स्लीपर थर्ड एसी से आ सकें तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बाकी आपका 245 रुपीज़ में आप आराम से दिल्ली से बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। चलिए अब आपको लेके चलता हूं मंदिर की ओर, आपको दर्शन करवाता हूं, जहां तक वीडियो शूट हो सकता होगा करूंगा, दिखाता हूं आपको आगे। ये आप देख रहे हैं प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ, और यहीं से अपने को जाना है सीधा, और ये आप बाहर देख रहे हैं मार्केट, जहाँ से आपको प्रसाद मिल जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा, और यहाँ पर आपको झंडा भी मिल जाएगा। और ये देख रहे हैं शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये हम पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम के एंट्री गेट पर, प्रवेश द्वार पर, और यहाँ पर जयकारे लगते हुए, चलिए चलते हैं अंदर आपको दर्शन करवाते हैं जहाँ तक हो सकेंगे। जय बागेश्वर धाम की जय। ओ ये देख रहे हैं आप कितना सुंदर यहाँ पे द्वार बना हुआ है, और ये जो सब देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये जो कपड़ों में नारियल साथ में चिट्ठी लगाकर यहाँ पर लोगों ने अपनी अर्जी लगा रखी है। यहाँ पर जो है आप तीन तरह की अर्जी लगा सकते हैं, पहला ये लाल कपड़ा आप देख रहे हैं, कोई सामान्य आपकी प्रॉब्लम है तो लाल कपड़े के अंदर अपनी समस्या लिख के और नारियल बांध कर यहाँ पर अर्जी लगाए। पीले कपड़े में जो है जैसे शादी विवाह से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर बांध सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं। तीसरा है काला कपड़े में,
काले कपड़े में जैसे प्रेत बाधा से कोई आपकी समस्या है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जो है अर्जी लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप सारे यहाँ पे अर्जी लगा रखी है पूरा जो है, देख रहे हैं आप पीछे तक यहाँ तक पूरे सब ने जो यहाँ पर अर्जी लगा रखी है, दिखाता हूँ और आपको आगे। और ये यहाँ पर जो है इनका आपका जो है अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिखा, अगर आपको डोनेशन करना है कुछ तो आप इनके यहाँ पर अकाउंट नंबर पर डोनेशन कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप सामने एक और चीज़ है, अगर आप लोग बागेश्वर धाम नहीं आ पा रहे तो यही अर्जी जो है आप सच्चे मन से घर पर भी लगा सकते हैं, वहाँ पे भी बागेश्वर धाम बाबा आपकी जरूरी इच्छा की पूरी करेंगे और सुनेंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। सामने आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम, यहीं से हम वापस आए उतर के नीचे दर्शन करने के बाद, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। तो मैं अंदर दर्शन करके आ चुका हूँ, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और आधे घंटे मेरे दर्शन हो गए। मंगलवार के दिन खासकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर जो हनुमान जी है वो स्वयं प्रकट हुए, यानी कि स्वयं हुए यहाँ पर। और इस मंदिर का जो रिनोवेशन का काम हुआ था वो 1986 में हुआ था और 2016 से यहाँ पर आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं और उसके बाद खुशी खुशी उनको अपने दरबार से विदा करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लोग यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ की मान्यता है। अगर आप लोग भी दिल्ली या और कहीं भी रहते हैं ऑल ओवर इंडिया तो यहाँ पर दर्शन करने आप जरूर आइएगा। चलिए और दिखाता हूँ आपको मंदिर और बताता हूँ यहाँ के बारे में। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं आपको परिक्रमा मार्ग दिखाता हूँ, हम अब इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं, चलते आगे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है सारे बागेश्वर धाम के बारे में लिख रखा है, जैसे कि बागेश्वर धाम में पहले टोकन सिस्टम था, वो टोकन सिस्टम बंद हो चुका है। अब जब जब महाराज जी होंगे तो उस समय जो है दरबार लगा करेगा 3 घंटे का। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई क्वेरी होती है आपकी और ये टोकन संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी हो, या आप देख रहे हैं। और ये जो है यहाँ का, अगर आपको कोई डोनेशन करना हो तो आप इस पर कर सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है यहाँ का। ये जो है भगवान हनुमान जी का मंदिर है, ठीक उसके सामने है राम दरबार। ये देख रहे हैं भगवान हनुमान जी की प्रतिमा। और ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है विभूति जो है वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच मिलती है। और ये जो है आपको दरबार हॉल से प्राप्त होगी कार्यालय नंबर 3 के आसपास से। ये देख रहे हैं आप सामने। और ये देख रहा है ये 20 रुपये का आपको प्रसाद मिलेगा, जिसमें आपको महाभोग है, ये इसमें आपको लड्डू मिलेंगे और विभूति मिलेगी। और ये सामने काउंटर है, ये कार्यालय नंबर 3 है, यहीं से आपको मिलेगा। और ये आप मार्केट से देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा, एक बहुत ऊंचा पहाड़ जो कि आपको बागेश्वर धाम आते हुए रास्ते में दिखेगा, और मंदिर के जब आप दर्शन करेंगे वहाँ से भी आपको दिखेगा। तो ये देख रहे हैं आप मंदिर के बाहर ये परिक्रमा मार्ग, मंदिर का जो है एक चक्कर लगता है पूरा, ये आप देख सकते हैं। और ये रास्ता देख रहे हैं आप, यही है परिक्रमा मार्ग जहाँ पे श्रद्धालु जो है अपना पैदल नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप परिक्रमा मार्ग, और हम मंदिर की ही परिक्रमा कर रहे हो, सामने आप देख रहे हैं मंदिर। और इस पे जो आपको कई सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पर रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ढाबे देख रहे हैं, साथ ही आप अंदर यहाँ पे आपको सोने के लिए भी मिल जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये गद्दा मिलता है, ये आप अंदर देख रहे हैं।
इस टाइप का आपको अंदर गद्दा मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 24 घंटे के लिए आप आराम से 100 रुपये में यहाँ पर रुक सकते हैं, ये देख रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे कई सारे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब आगे खाने पीने की दुकान है और पीछे जो उन्होंने रहने का बना रखा है, और पीछे ही कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, सामने आप देख रहे हैं पीछे की साइड, तो वहाँ पे आप जाके फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ से मैंने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी मैं वहीं पर आ चुका हूँ, और परिक्रमा करने में मेरे को लगे 10 मिनट, और रास्ते में पता चला कि गुरु जी इस समय बागेश्वर धाम में नहीं है, वो कथा के लिए मुंबई गए हैं और वो 11 मई के बाद बागेश्वर धाम में मिलेंगे। तो इस बार तो उनके दर्शन नहीं हो पाए, नेक्स्ट टाइम हम जरूर उनके दर्शन करेंगे। और बाकी मैंने आपको यहाँ के बारे में संपूर्ण दर्शन करा दिए, जानकारी दे दी कि आप दिल्ली से बागेश्वर धाम कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, कहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ जल्दी आपसे नए व्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा की।